हेलो एवरीवन, जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2023-24 सेशन में, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 60 स्टूडेंट्स का एक अतिरिक्त बैच 2023-24 सेशन में शुरू करने का निर्णय लिया है। इट मीन्स 60 जो सीटें हैं वो नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा उसमें इंक्रीज की जाएंगी, वो भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पीजी के लिए अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि पीजी की सीट्स वैसे भी राजस्थान में बहुत कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो पीजी की सीट्स की बात की जाए तो 2023-24 में जो एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर है, एंटो और पैथोलॉजी है, उसमें 6-6 सीटों की बजाय उन सीटों को बढ़ाकर 8-8 सीटें कर दिया गया है। यानी कि इन हर एक डिपार्टमेंट में 2 सीटों का इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यकाल में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर बीआर चौधरी की अध्यक्षता में 19वीं प्रबंध मंडल की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कृषि महाविद्यालय जोधपुर में बीएससी स्नातक के 60 विद्यार्थियों का एक अतिरिक्त बैच 2023-24 सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त अकादमिक सत्र 2023-24 से संचालित की जा रही स्नातकोत्तर स्तर की सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर, पादप रोग एवं कीट विज्ञान, एंटो एवं पैथो की 6 सीटों को बढ़ाकर 8 सीटें किया जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान में विद्या वाचस्पति स्तर की सस्य विज्ञान, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन, उद्यानिकी, पादप रोग एवं कीट विज्ञान विषय की 2 सीटों को बढ़ाकर 4 सीटें कर दी गई हैं। यानी कि नेक्स्ट जो आपका जो सेशन आएगा 2023-24 उसमें आपके सीट्स इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। और ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा ये न्यूज़ रिलीज की गई है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी कुछ सीट्स को इंक्रीज़ किया जाए।